कैसा लग रहा है? आप तो AIA रन टॉप कर दी आपने इंडिया में, हैं? कैसे एक्सपीरियंस है? कैसे स्टूडियो ओपन है? ये स्टूडियो यहीं से क्लास होती है सारी। हाँ एकदम सही। नमस्ते भाई, आज मैं पहली बार किसी फीमेल कैंडिडेट का इंटरव्यू कर रहा हूँ और हमारे साथ हैं सुचिता जी, दी सुचिता पारे। ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, लगाना बनता है भाई। इन्होंने SSC सीजल 2020 में EIR 1 रैंक हासिल किया, फर्स्ट रैंक हासिल किया, जो एक इंस्पिरेशन है सभी गर्ल्स के लिए, SSC की तैयारी से जुड़े हुए सभी एस्पिरेंट के लिए जो एक SSC में अपनी ड्रीम पोस्ट ग्रुप बी पोस्ट लेना चाहते हैं 4600 ग्रेड पे पे। तो ये आज अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगी। सबसे पहले कैरविल फैमिली की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, वो भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। आपने बहुत काबिले तारीफ काम किया है, EIR 1 आपने हासिल किया है। थैंक यू एवरीवन। तो आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन MEA डिपार्टमेंट मिला है, ये आपकी पहली चॉइस थी, फर्स्ट चॉइस थी, आपने फर्स्ट चॉइस डाली, आपको मिल गया। अच्छा, आपको उम्मीद थी कि मेरी EIR 1 आ जाएगी, जैसे आपको MEA आपकी ड्रीम पोस्ट थी। हाँ। तो ये तो कंफर्म है कि आपको MEA मिल जाएगी, ये एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी फर्स्ट रैंक आ जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं थी, फर्स्ट रैंक की तो नहीं थी, बस इतना था कि हाँ MEA जितना करना है और उतना लग रहा था कि कर लिया उतना कर लेंगे। हाँ। आपने CSS क्यों नहीं लिया, क्योंकि CSS एक डेस्क जॉब है और ज्यादा बेटर है गर्ल्स के लिए, गर्ल्स ज्यादा प्रेफर करती है CSS, क्योंकि MEA में तो आपको फॉरेन भी जाना पड़ता है। हाँ, वो मुझे अच्छा लगता है। मतलब जाना है आपको फॉरेन? यस। इसलिए फिर और आपने IT इनकम टैक्स जो है उसमें पावर का काफी रोल होता है, तो आपने वो भी ऑप्ट नहीं करी? नहीं नहीं, पावर का नहीं था इतना। मतलब आपको फॉरेन जाने का मौका मिलेगा, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, यूरोप वगैरह, या किसी भी अदर कंट्री? हाँ, युगांडा भी चलेगा। देखिए, हमने पहले ही बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन मंगा लिए, तो मैं स्टूडेंट के जो क्वेश्चन है, जो क्वेरी है, वही मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है दोस्त? अच्छा, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और आपने बचपन में कैसे पढ़ाई करी? 1-10 मेरे गांव में हुई थी, राजस्थान में। हाँ, 11-12 फिर सरदार शहर से, सिटी से की थी। सिटी से। अच्छा, आप स्टार्टिंग से स्कूल में टॉपर थी क्या, फर्स्ट रैंक है 12th में टॉप? ऐसे थी तो सही, पर इतना वो नहीं था, क्योंकि बच्चे ही कम थे और मतलब उनका लेवल इतना था नहीं, तो मैं आ जाती थी टॉपर। तो स्टार्टिंग से ही टॉपर थे ना? ऑलमोस्ट। सीजल में कोई EIR 1 आना कोई तुक्के वाली बात नहीं है, सुचिता बचपन से ही टॉपर थी। हाँ, फिर ग्रेजुएशन में मैंने PCM BSc की थी। तो आपने फिर PCM में वहाँ पे BSc में भी टॉप किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, तो BSc में पास पास हुए थे। हाँ, बोर्ड ढीली हो गई थी एकदम। एकदम सोचा ही नहीं कि कुछ आगे करना है या कुछ भी नहीं सोचा, बस ऐसे ही कि 12th कर लिया, अब मस्ती मारनी है थोड़ी। सेम मेरे बीटेक वाला हाल है भाई, 11th 12th में तो मैं दिन भर दोबारा देखने की, पीछे मुड़के देखने की जरूरत नहीं है। 11th 12th ही बच्चे की रियल पढ़ाई है। बीटेक में तो मैंने, जैसे आपको पता है कि बीटेक में मैंने बीटेक छोड़ के सब कुछ किया है, ऐसे ही सुचिता का भी, सही बोल रहे हैं ना? सेम। उसके बाद BSc हो गई तो होश आया कि अब क्या करना है। फिर जब होश आया क्या करना है फिर? तो MSc दिखी तो लगा कि अब इसमें क्या करेंगे, जब BSc का कुछ क्लियर ही नहीं है, बेसिक से कुछ क्लियर नहीं है, क्या करेंगे? हाँ। तो फिर सोचा कि चलते हैं जयपुर पापा के पास और फिर सोचेंगे वहाँ से करेंगे कुछ। तो पापा के पास आ गई जयपुर, फिर वहाँ पे MSc में वैसे एडमिशन ले लिया था मैंने, और फिर साथ में सोचा कि अब क्या करूँ, MSc में लग नहीं रहा था कि कुछ फ्यूचर दिख नहीं रहा था, तो सोचा कुछ प्रिपरेशन करती हूँ, तो MSc वहीं ड्रॉप कर दिया और छोड़ दिया आपने MSc? हाँ, छोड़ दिया। और फिर बाद में प्रिपरेशन के लिए मैंने आसपास बैंक का सुना था, तो बैंक की कोचिंग के लिए कोई कोचिंग चली गई ऑफलाइन, फिर वहाँ पे कुछ दिन करी बैंक की, फिर पता चला कि इधर ही कुछ SSC की कोचिंग भी चलती है। तब तक आपको SSC का कोई आइडिया नहीं था? नहीं, कुछ नहीं पता था। ग्रेजुएशन में भी नहीं, MSc का एडमिशन आपने लिया, SSC का नाम भी नहीं सुना था? नहीं सुना था, वहाँ पे सुना, तो फिर SSC का सिलेबस चेक किया, तो लगा कि हाँ ये शायद डूएबल है मुझसे, बैंक से कंपैरेटिवली आपको इजी लगा? हाँ, इजी लगा मुझे थोड़ा। ऑफलाइन आपने पूरा सिलेबस पूरा किया? हाँ, बेसिक्स क्लियर हो गया, पता चल गया क्या क्या सिलेबस है सब, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, सब कुछ आपने पूरा प्रॉपर पढ़ा। हाँ, तो आपको लगा कि मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकती हूँ, डूएबल है, ठीक है। तो उसके बाद
आपने 2020 का आपका फर्स्ट 19 का पहला आपका अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें क्या रहा? उसमें टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी, और उसमें आपकी जॉइनिंग हो चुकी है बेंगलोर में, बेंगलोर में। अभी कुछ ये इंटरव्यू देने से पहले जस्ट अपनी बेंगलोर में जॉइनिंग ही पूरी करके आ रही हूं, इसका पूरा प्रोसेस। हां, 3-4 डेज हुए हैं जॉइन किए, 3-4 डेज। मैंने सोचा था कि नहीं मिलेगा कुछ भी, तो 2020 के एकदम सीरियस प्रिपरेशन करेंगे। ओके, उसके बाद आप 2020 की प्रिपरेशन में लग गए। बस और 2020 की प्रिपरेशन, एसएससी की जो जर्नी है वो कैसे आपकी फिर शुरू हुई, AIR1 लाने तक का सफर? हां, वो फिर 2019 में तो बेसिक्स आपका क्लियर हो चुका था, क्लियर हो गया था, और फिर आपका बैच लिया था 2019 में मेंस का। अच्छा, आपने 2019 का मेंस वाला बैच जॉइन किया था, इंग्लिश का किया था। हां, ओके। तो वहां से मैथ्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि हाँ मैथ्स तो मजेदार है। तो आपका अप्रोच बताने का बहुत अच्छा लगा था, इसलिए वही करती थी, तो इसलिए मैथ्स तो मैंने उसी टाइम कर लिया था, बहुत अच्छे से लग रहा था, अच्छा पेपर भी आ जाएगा तो मस्त स्कोर हो जाएगा। 19 का जो मेंस का बैच मैंने पढ़ाया था, हाँ वो मैंने अच्छे से, अर्थमेटिक एडवांस दोनों सेक्शन सब, तो उसमें फिर 18 नवंबर को पेपर था तो सब फ्लॉप हो गया। ऐसा लग रहा था कि इतने अच्छे से क्यों पढ़ा जब 18 नवंबर का पेपर आना था। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि 2020 देना है और फिर अच्छा मैथ्स का पेपर आए और तब मजे आएंगे, ऐसे लगेगा कि हाँ हमने किया है कुछ, तो तब मार्क्स आए हैं उसमें, तो 197.5 बोल के भी ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं है, ऐसा पेपर था। तो 2020 का स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन, फिर उसमें मैंने स्टार्टिंग में जीके थोड़ा कम पढ़ा था, पर धीरे धीरे लगा, लास्ट मंथ में ऐसा लगा कि करना पड़ेगा। हाँ, बढ़ाना है क्योंकि बाकी तीनों में मेरा अच्छा जा रहा था स्कोर, बस जीके ही लैग कर रही थी मैं, 150 प्लस ही आ रही थी जीके में, तो 1-2 मार्क्स आ रहे थे, ऐसे ही कुछ आ रहे थे, 1-2 मार्क्स ऐसे आ रहे थे, दो नंबर आते हैं ऐसे ही आ रहे थे, तो इसलिए लास्ट में फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा कि अब वो ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह मतलब जो है वो सब तो बैकग्राउंड में तो कुछ था नहीं ऐसा पढ़ा हुआ, तो जैसे आप तो पीसीएम बैकग्राउंड से थे बीएससी में, तो आपको जीके तो बड़ा बोरिंग और बेकार लगता होगा, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था, पर फिर सोचा कि अब मार्क्स बढ़ाने हैं तो फिर करना पड़ेगा, आपने रटा फिर? हाँ, थोड़ा वो ल्यूसेंट से पढ़ा मैंने उससे, और फिर स्टैटिक के लिए पीडीएफ्स पढ़ी थी, करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करे थे उसमें, अच्छा लगता था, और फिर लकवाइज बोल दूं शायद कि ना वो करंट अफेयर्स थोड़ा अच्छा पोर्शन था मेरे वाली शिफ्ट में, तो इसलिए थोड़ा अच्छा स्कोर हो गया। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि खूब पढ़ता और एक क्वेश्चन ही फंसा। हाँ वही, मैं करंट अफेयर्स के भरोसे गई थी कि हाँ 25 प्लस ऐसे कुछ मार्क्स आ जाए बहुत है। आपका फिर आपका प्री में कितना स्कोर बना? फिर मेरा प्री में 190.69 बने थे। 190.69 ये आपका नॉर्मल स्कोर था? हाँ। ओके, रो स्कोर कितना था आपका याद है? 172.5। इसके बाद जब आपका प्री हो गया, उसके बाद मेंस के लिए तो प्री में अच्छे मार्क्स मिल गए, तो ऐसा लगा कि हाँ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, बूस्ट हो गया, तो लगा कि हाँ अब कुछ भी नहीं छोड़ना है, एकदम अच्छे से करना है जो भी आगे करना है। इंग्लिश मैथ्स ही करनी थी, मैथ्स वैसे कर ही रखी थी, बस ऐसा है कि हाँ कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, छोड़ना नहीं है, तो फिर इसलिए डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर लिए थे टेलीग्राम पे, फिर डाउट सॉल्व कर लेती थी, डाउट सॉल्व करती रहती थी पूरे दिन ऑलमोस्ट। हाँ, मॉक टेस्ट लगाती थी। हाँ डेली? हाँ, क्योंकि अब और कुछ था नहीं, कुछ रिवाइज कर लेती थी आपके बैच से जो नोट्स बनाए थे वो रिवाइज कर लेती थी, और डाउट सॉल्व कर लेती थी, मॉक्स लगा देती थी, तो मैथ्स इससे हो जाता था, और फिर इंग्लिश में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। ऐसे लगा कि अब थोड़ा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा इसके लिए, मुझे कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ी आ रही थी दिक्कत, तो इसके लिए रीडिंग स्टार्ट करी, न्यूज़पेपर रीड करती थी, इंडियन एक्सप्रेस। ये आपने प्री के बाद किया? हाँ, प्री के बाद ही किया, प्री वाली इंग्लिश हो रही थी, बट फिर मेंस में काफी बड़ा पोर्शन है 200 मार्क्स का, क्वेश्चन ज्यादा है तो दायरा भी बढ़ता है, या तो फिर मैंने सोचा कि अब इसके लिए थोड़ा करना पड़ेगा, तो न्यूज़पेपर रीड किया खूब सारा, रोज रीड करती थी इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू से डर लगता था। तो कितने टाइम आप रीड करती थी? 1 hour अराउंड, डेली 1 hour? हाँ, बड़ा टफ है, मैंने आज तक जिंदगी में 1 hour कुल मिला के मरीज न्यूज़पेपर टफ था, पर मुझे पता था कि टेम्परेरी पीरियड के लिए तो करना है, कर लेते हैं, फिर हो जाएगा एग्जाम, उसके बाद क्या नीड है।
अब बंद कर दिया अब बंद कर दिया, कोई न्यूज़पेपर नहीं। तो न्यूज़पेपर से अगर कुछ इंटरेस्टिंग मीनिंग्स वगैरह दिख जाते तो उनको नोट कर लेती थी, उनको नोट कर लेते थे। तो उनको रिवाइज कम ही किया है थोड़ा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का थोड़ा ज्यादा रोल होता है, तो ब्लैक बुक वाला सही लगा मुझे। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी केवल बुक से ही याद किया? हां, बुक से किए। एक बात मैं जानना चाहूंगा पर्सनली अपने लेवल पे, मैंने कैसा पढ़ा है, मुझे जब जानने की बड़ी इच्छा है। अर्थमेटिक ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आया कि एडवांस वाला पोर्शन मैंने ज्यादा बढ़िया से पढ़ाया? मैंने सोचा नहीं था कि मुझे मैथ्स में इतना इंटरेस्ट आएगा क्या। जब से आपका बैच लिया तब लगा कि वाओ, मैथ्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कतई जहर लगा एकदम मस्त। तो मैंने वो बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा, बहुत ज्यादा मजे आते थे पढ़ने में। मजे आते का क्या मतलब है? मतलब बहुत अच्छा लगता था पढ़ के, ऐसे लगता था कि हाँ, अच्छा लगता था कि जो मैं बीच में लड़कों को छेड़ता रहता था वो। दोनों ही अच्छा लगता था। क्योंकि उससे ऐसे थोड़ा बोर नहीं होते। और उसमें एडवांस में भी वो जो बोर्ड था उससे बहुत, उससे और भी ज्यादा अलग मजे आते थे। ऑफलाइन सा बोर्ड, हाँ, डिजिटल बोर्ड से बहुत अच्छा लगता था। हाँ, जो ज्योमेट्री मेंसुरेशन का जो डायग्राम वगैरह बनाने में, हाँ, बेनिफिट हुआ, बहुत अच्छा लगता था उससे पढ़ के, समझ में भी बहुत अच्छा आता था और अच्छा लगता था। तो आपने कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाए थे जो मैं फॉर्मूला या शॉर्ट ट्रिक्स बनाता था? सारे बना लिए थे नोट्स। और क्वेश्चंस के भी आप नोट्स बनाते थे? नहीं नहीं, क्वेश्चंस के नहीं बनाए, क्योंकि वो पीडीएफ्स कर लेते थे, फिर पीडीएफ से ही कर लेते थे। तो आपकी पीडीएफ्स? अच्छा, तो आपने पीडीएफ तो सारी सॉल्व की जो मैंने उसमें दी थी, इसके अलावा जो मोटी मोटी किताब आती है 8000 की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो ये आपने सॉल्व की? नहीं नहीं, मैंने नहीं की। आपने कोई नहीं की? इंग्लिश की भी जो आती है? इंग्लिश की मैंने ली थी, लास्ट में ली थी एक पीवाईक्यू की, थोड़ी बहुत हुई थी, फिर मुझे लगा कि ऑलमोस्ट कर चुकी हूँ मैं, तो बस ऐसे ही कंटिन्यूटी बनाने के लिए एक ले ली थी। अच्छा, और जीएस की भी 10000 क्वेश्चंस की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, वो आपने सॉल्व करी थी? ली थी पर सॉल्व नहीं करी। तो मुझे नहीं हो पा रहा था, किताबें हैं। हाँ, नहीं हो पा रहा था मुझसे भी। फिर मैंने सोचा कि ये पीडीएफ्स वगैरह से ही देख लेंगे, जो होगा हो जाएगा, करंट अफेयर्स कर लेंगे, और वो फिर इसी के भरोसे गई थी। चलो, फिर भी आपने बहुत बेहतर किया। मतलब ऐसा नहीं कि आपको प्रीवियस ईयर के पूरे मोटे मोटे ग्रंथ लगाने की जरूरत है। तो जो बच्चा अपने आप को कमजोर महसूस करता है, हाँ, जो बिल्कुल ही वो है। ल्यूसेंट जरूर पढ़ी थी मैंने, काफी बार पढ़ ली थी। ट्रेंट आप डेली पढ़ते थे कि जैसे एक वीक का एक साथ पढ़ लिया ऐसे? डेली भी और फिर वीक पे भी, डेली भी और वीक पे भी, और मंथली भी। मंथली भी, तीनों ही करना पड़ता है, तब जाके रिटेन रहता है। और स्टैटिक जीके के लिए आप लोग? स्टैटिक जीके के लिए पीडीएफ्स, हाँ, टेलीग्राम पे पीडीएफ्स मिल गई थी। हाँ, वो जो नोट्स, हाँ, की पीडीएफ जो घूमती, हाँ, है वो पूरा लिख लिख के याद करते थे। आप कैसे याद करते? नहीं नहीं नहीं, इतना तो टाइम नहीं था। हाँ, बस ऐसे लिख, यूं ही रीड करते थे। लंबे टाइम तक कैसे याद रहता? मैं तो आज याद, मैंने भी नहीं सोचा था कि लंबे टाइम तक रहेगा, पर आई थॉट दैट इट इज माय फॉर्मेलिटी टू रीड दिस, कि रीड तो करना पड़ेगा, अब इसमें से आएगा और मुझे कुछ याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो क्या कर सकते हैं, पर लिख के तो नहीं हो पाएगा। हाँ, तो फिर मैंने पीडीएफ्स वगैरह से ही किया था। पीडीएफ्स वगैरह से किया, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपकी एसएससी की पूरी जर्नी रही, प्रिपरेशन आपने कैसे कैसे की? हर एक सब्जेक्ट के आपने कितने कितने मॉक टेस्ट दिए? जैसे आपने प्री के कितने मॉक लगा दिए और मेंस के? प्री के डेली लगाती थी। मॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट खेल है एक सिलेक्शन में, क्योंकि मैंने 19 में अच्छे से कर रखा था, तो प्री का इतना मुझे था नहीं फोबिया, तो दो दो मॉक्स का टाइम आराम से मिल जाता था डेली का। प्री के दो मॉक्स डेली लगाते थे, इवनिंग मॉर्निंग में? किस किस टाइम? हाँ, मैं इवनिंग मॉर्निंग में लगाती थी, मॉर्निंग में ही वैसे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। मॉर्निंग में? हाँ। और मेंस के लिए? मेंस के लिए भी मैथ्स का एक मॉक हो जाता था और इंग्लिश का अल्टरनेट डेज। इंग्लिश का अल्टरनेट डेज मॉक? हाँ। तो आपने लड़के तो शॉक रह जाएंगे, कितनी मेहनत तो आप भी कर रहे हैं, हमारा क्यों नहीं आ रहा है यार वन? क्यों, अल्टरनेट डेज ही होता था इंग्लिश का, तो फिर लास्ट में वन मंथ में हो सकता है डेली हुआ हो इंग्लिश का। लास्ट वन मंथ में डेली, मैथ्स का भी और इंग्लिश का भी। उसके बाद मॉक्स को आप एनालाइज भी करते थे? हाँ, करते थे एनालाइज। जो क्वेश्चन आपके जो हो गए उनको तो छोड़ दिया, जो नहीं हुए आप उनको देखते थे इंग्लिश में भी और मैथ्स में भी, फिर उनको आप नोट डाउन भी करते थे कि केवल देख के समझ लेते थे? इंग्लिश में तो देख के ही समझ लेती थी, मैथ्स में था कि जब इतने अच्छे सर से पढ़ाए तो उनका नाम रोशन करना है अच्छे से। तो एकदम अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो गया तो मुझे बिल्कुल हर्ट कर जाता था कि इसका तो मुझे चाहिए, कैसे नहीं हुआ, ये कैसे नहीं हुआ, इसका कैसे ऐसे मैंने कर दिया। तो मैं उस पर बहुत, मैथ्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस था, तो इसलिए उसका मैं बहुत अच्छे से करती थी, नोट डाउन भी कर लेती थी, नोट डाउन भी कर लेती। अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि मॉक्स में ना एक क्वेश्चन अच्छे मिल जाते हैं मॉक्स में, जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे वैसे क्वेश्चन
आपको मॉक्स में मिल जाएंगे रिलेवेंट भी। अच्छा, जैसे आपका ये 2019 में फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका टैक्स असिस्टेंट निकला, तो आपकी 2019 में एक्सपेक्टेशन होगी कि मैं एमई या कोई अच्छी पोस्ट ले लूं? नहीं, 19 में नहीं थी मेरी इतनी, मुझे बस ऐसे ही था कि हाँ एक जॉब ले लेती हूँ, जॉब सिक्योर करनी थी पहले, जॉब सिक्योर करनी थी। तो उसके बाद फिर मार्क्स ऐसे थे कि बाउंड्री पे थी, तो लग नहीं रहा था कि जॉब भी सिक्योर होगी क्या 2019 में भी। तो 19 में, इसलिए फिर 2020 की अच्छे से करनी थी वैसे भी। तो 2020 में आपने पूरी एनर्जी के साथ, इस बार आपका क्लियर था कि इस बार एमई ही लेनी है? हाँ, इस बार बन गया था, इस बार लग गया था कि हाँ ले सकती हूँ, अगर करूंगी तो हो जाएगा। उस टाइम थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया, एक जॉब सिक्योर होने से कॉन्फिडेंस तो आता ही है। आपके ग्रुप में भी कोई ऐसा था स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुआ एसएससी सीजीएल में, आपको लगा हो कि यार इसने किया है तो मैं भी करते हैं? हाँ, मैंने एक टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर रखा था, डाउट्स सॉल्विंग वगैरह होती थी और डेली मॉक्स लगाते थे ना, तो उसकी रैंक लिस्ट बन जाती थी उसमें, तो पता चल जाता था कि कॉम्पिटिशन में अपना कैसा लेवल है। तो उसने भी काफ़ी हेल्प किया, द पंडित नाम से था। अच्छा, कितना मुश्किल रहा एसएससी सीजीएल आपके लिए? मतलब ऐसा कि यार एयर वन लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, कि वाकई में मुश्किल रहा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी दिन रात? नहीं नहीं, इतना नहीं रहा, मतलब ऐसे डिसेंट स्कोर के लिए तो मैं 19 में ही रेडी हो चुकी थी। मतलब मेंस के बाद, प्री में थोड़ा मेरा नहीं था अच्छा, बट मेंस के टाइम पे मुझे लग रहा था कि हाँ मैंने बहुत अच्छे से किया है। और फिर कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट, अगर वहाँ पे मैं कंसिस्टेंट नहीं रहती तो मेरा भी कुछ नहीं होता। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। तो एसएससी अब उसे मेहनत भी बोल सकते हैं, मेहनत भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना थोड़ा मुश्किल है, पर फोर्स करना पड़ता है खुद को। कैसे आप लंबे टाइम तक ऐसे मोटिवेट रखते थे, क्योंकि एसएससी का जो प्रोसेस है एक साल तक आपको या 8-9 महीने भी आपको लगातार पढ़ना है, बच्चे तो 2-3 महीने में ही बोर हो जाते हैं, सर अब मज़ा नहीं आ रहा, मोटिवेट कैसे रहें? जबकि मोटिवेशन की इतनी सारी वीडियो, शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट्स का जमाना है आज तो इतने अवेलेबल है, फिर वो बार बार पूछते मोटिवेट कैसे रहे, तो कैसे सेल्फ मोटिवेट रहे आप कि 8-9 महीने तक लगातार कंसिस्टेंट रहे? गोल को माइंड में रखते हैं और प्रायोरिटी अपनी सेट करते हैं, तो प्रायोरिटी सेट एमबीए लेना है और उसके बाद फॉरेन घूमना है, यही प्रायोरिटी सेट है, तो सब सेट है प्रायोरिटी, बस प्रायोरिटी दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। वो हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकती है, किसी को कि मुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाना है, ये भी था वैसे, ये भी था। अच्छा, आपकी फैमिली में भी गवर्नमेंट जॉब में है? नहीं, ऐसे क्लोज में तो नहीं है, क्लोज में नहीं है। अच्छा, आप अपनी मम्मी पापा के बारे में बताइए, फैमिली के बारे में कुछ। मम्मी हाउस वाइफ है और पापा प्राइवेट जॉब करते हैं, दोनों ने हमें बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाने पे एकदम उनका फोकस रहा है कि हाँ पढ़ के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, हमेशा से ये उन्होंने माइंड में ही डाल रखा है बचपन से ही हाँ। कि हाँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तो होना ही है, अब वो कैसे भी हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से हो तो और अच्छी बात है, पर होना है। मतलब आप दो बहनें हैं? हाँ, हम थ्री सिस्टर्स हैं। हाँ, तो पिताजी ने सभी को बोला बचपन से कि पढ़ना है, पढ़ लिख के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है। हाँ, तो इसलिए कोई प्रेशर नहीं था, सब बस मोटिवेशन था, इनकरेजमेंट ही था उनकी तरफ से, सब हमेशा सपोर्ट था। आपकी तैयारी के दौरान मम्मी पापा ने पूरा सपोर्ट किया, टाइम? यस, ओके, फुल, जो जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, हमारी तरफ से कोई ना कोई काम है ना कुछ और है, कुछ भी नहीं करना, पढ़ो, कोई काम वगैरह नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे था कि जब तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ना हो जाओ तब तक हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, आराम से करो, पढ़ो। तो सारा सफलता का क्रेडिट फिर आपके मम्मी पापा को ही जाता है, क्योंकि ऐसे सपोर्टिव पेरेंट्स मिलना भी एक लकी बात है। यस, लकी। आज तो बड़ा प्राउड कर रहे होंगे आप पे। हाँ, बहुत ज्यादा, रोज रोज स्टेटस वही डाल रहे हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। लगातार 31 अक्टूबर से रिजल्ट जब से आया है तो आज फोर्थ टाइम देख रही हूँ। आप तो बताते भी होंगे। आज आपका फोन कर करके, इतना तो मैंने नहीं बताया। नहीं, मैं बोलना चाहूंगा ये इंटरव्यू तो आपके मम्मी पापा भी देखेंगे, अंकल जी आंटी जी बड़ा अच्छा किया आपकी बेटी ने, और आगे भी नाम रोशन करेगी, और आगे भी बोलो कि और इंडिपेंडेंट बने, यूपीएससी निकालेगी। अच्छा, आपने घर पे रह के ही मेंस की तैयारी करी ना पूरी, तो घर पे रह के तैयारी करना कितना चैलेंजिंग था? वैसे तो ज्यादा नहीं था, आपने तो हॉस्टल लाइफ भी जी है, मैं हॉस्टल लाइफ को अच्छी तरीके से जानता हूं। तो उसमें बहुत ज्यादा मस्ती करी होती है, तो फील तो होता है कि यार अपने फ्रेंड्स वगैरह तो फिर से मस्ती में कर रहे होंगे, पर अपन को पढ़ना पड़ रहा है, पर फिर वो बीच में कोविड आ गया था तो बहुत सही हो गया, कोई बाहर नहीं जा रहा था, फंक्शन वगैरह कुछ हो नहीं रहे थे, तो सब ऐसे ही बैठे थे, तो ऐसे ही बैठ के पढ़ाई कर लो। तो घर पे पढ़ाई करने में कोई दिक्कत आई नहीं? कोई नहीं। आपने कोई लाइब्रेरी वगैरह भी ज्वाइन की थी? नहीं, लाइब्रेरी तो नहीं।
आपने पूरी स्टडी घर से ही की। तो घर पे आपने एक अपना सेल्फ टेबल या अलग से रूम बना रखा था, सेपरेट रूम, उसमें कोई आना जाने, खाना खाया और बंद करके पढ़ते। हाँ, ये होना चाहिए। या तो आप लाइब्रेरी हो, फिर आपका एक सेल्फ डेस्क हो जिसपे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना करे, आप खाओ पियो और उसमें पढ़ते रहो। हाँ, उसमें कोई नहीं आता जाता था, मैं ही थी बस, खाना खा के आती फिर आ जाती उसमें। वो कह रहे थे हमें कुछ सालों तक, एक कुछ महीने तक तो पता नहीं चला कि आप लड़की है, तो क्योंकि मेरी आईडी का नाम पॉसिबल था, मतलब कि पॉसिबल है ऐसे, मुझे खुद को मोटिवेशन मिलता था इस चीज से कि एग्जाम क्रैक करना भी और अपने ड्रीम्स को हासिल करना। ये वाला पॉसिबल है आपने लिखा था। हाँ, बहुत बढ़िया। इसी नाम से था मेरा आईडी और ऐसे ही कहते सब, पॉसिबल मैम, पॉसिबल। तो आपने पॉसिबल करके भी दिखाया। हाँ। अच्छा, आपने जैसे ऑफलाइन भी पढ़ाया, ऑफलाइन भी आपने पूरा सिलेबस पढ़ाया। हाँ। और आपने ऑनलाइन भी पढ़ाया, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में आपको क्या बेटर लगा और क्या प्रोज और कॉन्स, बेटर क्या लगा आपको? फर्स्ट तो ट्रैवल का, एक तो ट्रैवल से 1 आवर लगता था मुझे जाने में कोचिंग, फिर आने में भी, और फिर थक जाते थे तो इसलिए उसमें एनर्जी ड्रेन हो जाती थी, पर ऑनलाइन में एकदम सही था, घर पे बैठ के देखो और हो जाता, रिपीट करके देखो। हाँ, ऑनलाइन ज्यादा बेटर माध्यम है तैयारी करने का। हाँ, मेरे लिए तो यही था। आपके हिसाब से ऑनलाइन ज्यादा बेटर है? हाँ। ओके, अच्छा, ऑनलाइन में एक प्रॉब्लम है सोशल मीडिया का, जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चे ना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा टाइम खराब करते हैं, तो इस सोशल मीडिया से कैसे बचा जाए अपनी तैयारी के दौरान, कि तैयारी पे ही फोकस रहे, सोशल मीडिया का काम के लिए यूज़ हो? इंस्टा पे मैं एक्टिव नहीं थी, ना ही फेसबुक पे थी, बस टेलीग्राम पे थी, और उन्हीं लोगों से कनेक्शन रखती थी जिनका गोल सेम है या जो हैं कंपटीशन में, जैसे हाँ, जैसे एक ग्रुप में थी मैं उसी में, द पंडित्स में, उसमें सारे लोग वही थे जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और सारे डेडिकेटेड थे एकदम, तो उन्हीं लोगों से कनेक्शन रखती थी बाकी सबसे। तो आपको लगता है कि तैयारी के दौरान सोशल मीडिया का यूज करना, अवॉइड करना चाहिए ज्यादा? हाँ, आई थिंक अवॉइड ही करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जैसे आपने भी कुछ नहीं चलाया? हाँ, नहीं चलाया। कितने साल तक? ये 2 साल तक नहीं चलाया, उसके बाद उसके बाद तो फुल चला है। उसके बाद फुल चला है। फेसबुक आईडी भी बनाई? फेसबुक तो नहीं, अच्छा नहीं लगता इतना, इंस्टा अच्छा लगता है, उस पे बनाया, रील्स वगैरह, वीडियोस वगैरह सब चलते हैं उस पे। चलो, बहुत बढ़िया। तो आपका पैशन क्या है? जैसे अब तो ईयर वन हो गया, आपकी ड्रीम पोस्ट भी आपको मिल गई, तो इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा आपका पैशन किस चीज में है, किसी चीज़? हाँ, बहुत चीजें हैं जो अच्छी लगती हैं, ट्रैवलिंग वगैरह अच्छी लगती है, मतलब अच्छी जगह जाना, जैसे फॉरेन जाने का। हाँ, हाँ। इसीलिए मैंने बैंगलोर लिया था, मैंने सोचा चलो 1-2 महीना ही मिले, चाहे बैंगलोर जाने का मौका मिलेगा तो ले लो। और निकल पड़ी, बहुत अच्छा सिटी है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे तो। दिल्ली से बेटर लगा? बहुत बहुत सुंदर है, फ्रेश एयर और एकदम ग्रीनरी, बहुत सुंदर है। पर हाँ, जयपुर भी है, जयपुर तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो गया ना, बचपन से रह रहे हैं। हाँ, वो भी है। हम जयपुर घूम के आते हैं, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है जयपुर। हाँ, वही, अब तो वहीं से रह रहे हैं तो वहाँ तो पूरा घूम लिया, दूसरी जगह जाना था, बेंगलोर जाना था। और गेम्स वगैरह अच्छा लगता है, योगा वगैरह अच्छा लगता है, योगा करते हैं हमेशा। हाँ हाँ, कंटिन्यू रखा था, ये तो प्रिपरेशन में भी, फ्रेश माइंड रहता है एकदम। ये आपने प्रिपरेशन में योगा करना शुरू किया कि पहले से? नहीं, पहले से ही था, बस मैंने 12th से स्टार्ट किया था। 12th से? हाँ, उसका आपको बेनिफिट? हाँ, बहुत बेनिफिट रहा था। योगा आप खुद से किया, आप वीडियोस वगैरह देख के शुरू कर? स्टार्टिंग में तो हाँ, वीडियोस वगैरह देख के ही, पर बाद में तो हो जाता था, सूर्य नमस्कार वगैरह वो याद हो गए थे तो डेली। हाँ, मुझे भी सीखना चाहिए। आप भी योगा वगैरह करा कर लो, प्राणायाम, गेम्स वगैरह भी, मतलब बैडमिंटन वगैरह अच्छे लगते हैं, वो कई बार ऐसे फ्रस्ट्रेशन वगैरह कुछ हो जाए। हाँ। हो जाता है, तो गेम्स वगैरह खेलने से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। आप टेबल टेनिस वगैरह सब खेलते? हाँ। मोबाइल गेम्स नहीं ना? नहीं नहीं, मोबाइल गेम्स वगैरह नहीं, मम्मी वैसे भी मना करती है, आंखें खराब हो जाएंगी इसलिए। अच्छा, आपके 2020 में प्री में कितने मार्क्स थे और मेंस में कितने मार्क्स हैं, डिस्क्रिप्टिव में कितने मार्क्स हैं? हाँ, 172 पॉइंट समथिंग थे रो, और फिर नॉर्मलाइज 190.69 हो गए थे प्री में। और मेंस में 200 मैथ्स और 200 मैथ्स। ये आपका रो स्कोर है? हाँ। अरे वाह, वेरी गुड, नाम रोशन कर दिया। हाँ, नाम रोशन हो गया, यही था, बस रोशन हो रहा है, यही था कि हाँ मैथ्स में 200 देखना है, और और इंग्लिश में मेरा 190 पॉइंट समथिंग था। अच्छा, ये आपका पिंच पॉइंट था ना, बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि मैथ्स में तो 200 लाने ही लाने हैं, ऐसे इतना वो नहीं था, पर प्रेशर से नहीं किया था। हाँ। कि हाँ, वरना ऐसे हो जाता है कि ज़्यादा वहाँ पे हड़बड़ाहट हो जाती है कि ये नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो अब क्या करेंगे, पर वहाँ पे मैनेज हो गया था, तो फिर ऐसे लग रहा था, मैंने बोला था फ्रेंड्स वगैरह को कि हाँ शायद 200 आ सकते हैं,
अच्छा आपने बोला इतना भी हो गया अच्छा, जैसे 2020 का आपने पेपर दिया वो 100 क्वेश्चन आए वहाँ तो मिक्स फॉर्म में आते हैं, तो ऐसा कुछ लगा कि यार ये ऐसा है जो सर ने मुझे नहीं पढ़ाया या लगभग की सारा ये तो कराया हुआ? हाँ लगभग कराया हुआ सा ही लग रहा था, और बस एक दो क्वेश्चन से कुछ फंसे होंगे, एक क्वेश्चन था शायद वो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया था, बाकी हो गया था टाइम से पहले ही पेपर। तो अब तो आपको बेनिफिट हुआ हमारे साथ जुड़ने से। हाँ बहुत बढ़िया भाई, यही चाहिए कि AIR1 निकले, सिलेक्शन हो स्टूडेंट्स का। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में कितने मार्क्स थे आपके? 64 है शायद। हाँ 64, तो टोटल कितना बना आपका? टोटल ये हो गया 644 आपका टोटल बना आउट ऑफ 700। अच्छा GS पढ़ना कितना चैलेंजिंग था आपका, जो BSc बैकग्राउंड से आप PCM बैकग्राउंड से था? GS पढ़ना तो काफी चैलेंजिंग था। स्टार्टिंग में GS पढ़ने का मन करता था? बिल्कुल भी नहीं, 19 में तो मैंने पढ़ा ही नहीं। हाँ बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, तभी कम रह गए उसमें, मार्क्स बहुत कम थे। 155 नॉर्मलाइज्ड स्कोर था। 155 नॉर्मलाइज्ड स्कोर। हाँ वो ऑलमोस्ट जीके को ही जाता है, और फिर अब पढ़ना था 2020 के लिए जीके। तो ये आपने सेल्फ स्टडी ही करी इनका, किसी किसी टीचर से एसोसिएट होकर कोई बैच वगैरह आपने नहीं लिया? हाँ ये मैंने सेल्फ ही किया, और अगर कोई वीडियो वगैरह देखती भी थी तो नहीं हो पाता था, मैंने सोचा सेल्फ स्टडी से ही सही। जीएस आपने पूरा सेल्फ स्टडी किया। अच्छा मैथ की कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग थी शुरू से? नहीं स्ट्रांग तो नहीं थी शुरू से, पर बाद में हो गई थी। अच्छा कैसे आपने कैलकुलेशन को अपना मजबूत किया, क्या आपने अलग से स्टडी अपने कैलकुलेशन को स्ट्रांग करने के लिए? मैंने एक ऐप डाउनलोड कर रखा था, तो ना उसका पता नहीं डाउट सॉल्विंग ऐसे कुछ है। हाँ ठीक है, उसका ऐप है। हाँ वैसे बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे कैलकुलेशन बूस्ट। हाँ कैलकुलेशन बूस्ट के। ओके उस पर तो मैंने वो कर लिया था, और उस टाइम मैं जब 19 में कर रही थी तभी मुझे लगा था कि कैलकुलेशन थोड़ी वीक चल रही है, उसमें करना पड़ेगा। तो फिर मैं जब जाती थी 1 आवर लगता था मुझे यहाँ से वहाँ जाने में, तो मैं बस में वही कर लेती थी। अच्छा आपको 1 आवर लगता था? हाँ से कोचिंग कोचिंग जाने में और आने में भी, तो रोज की 2 आवर्स कैलकुलेशन प्रैक्टिस ही होती बस थी में आते हुए आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस, क्योंकि उस ऐप में ऐसे था पूछते रहते हैं वो ऑप्शन वगैरह। हाँ आते रहते हैं क्वेश्चन, हाँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब आते हैं, प्लस माइनस सब। आप 2 घंटे दे देते थे लगभग? हाँ क्योंकि बस में क्या करना है, फिर एक बार बस में बैठ के तो कैलकुलेशन ही करना, वही बैठ के या खड़े होके कैसे भी। ये बहुत बड़े काम की तारीफ काम है, मतलब तो एक्स्ट्रा टाइम देना भी नहीं पड़ा और वेस्ट भी नहीं हुआ। वेस्ट भी नहीं हुआ बहुत सही। तो स्टूडेंट पूछते हैं ना सर कैलकुलेशन कैसे मजबूत करें, कैलकुलेशन कैसे मजबूत करें, ऐसे मजबूत करें कैलकुलेशन। डेली 2 घंटा आप 1.5 घंटा कैलकुलेशन को दोगे, और ये प्रोसेस कितने महीने तक चला आपका? ये जब तक मैंने कोचिंग की 3 to 4 months, 4 months 4-5 महीने भी आप कर लोगे तो आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगी। अगर आप 1-1.5 घंटा भी ऐसे एप्स भी हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कैलकुलेशन करें। यही एक रास्ता है कैलकुलेशन। टेबल्स वगैरह सब मैंने उसी से की थी, स्क्वायर टेबल्स सब उसी में आता था, वो सब आता था वो आपको याद होगा। बच्चे पूछते सर ट्रिक बताओ कैलकुलेशन। नहीं नहीं सब लर्न ही किया था, कोई ट्रिक नहीं, कोई ट्रिक नहीं, नथिंग। इनको बोलो एक बार कोई ट्रिक नहीं कैलकुलेशन की, सुनते नहीं है बिल्कुल भी। कहते सर जापानी ट्रिक बताओ, चाइनीज ट्रिक, ये सब बताइए हमें। नहीं नहीं कोई ट्रिक नहीं, कोई ट्रिक नहीं ना। हाँ। कैलकुलेशन केवल प्रैक्टिस का खेल है, स्पीड होनी चाहिए, वो हो जाएगी प्रैक्टिस करोगे तो। अच्छा मैथ में सबसे बोरिंग और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा रहा आपका मैथ में? इंग्लिश कहता हूँ पूछिए। मैथ्स में ऑलमोस्ट इंटरेस्टिंग ही था, बोरिंग तो जिसमें थोड़ा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव मैटर आ जाए, जैसे DI है इंटरेस्टिंग, एडवांस अच्छा लगता था, और जब कैलकुलेशन हो गई थी अच्छी तो फिर उसके बाद अर्थमेटिक भी लगने लग गया। अर्थमेटिक भी अच्छा लगा। जो मैं क्वेश्चन करवाता था तो उसमें आपको कैलकुलेशन में अप्रोच में कुछ सुधार आया, जिसमें यूनिट जी डिजिटल से अप्रोक्सीमेशन सिखाने कोशिश करता था, तो ये मैं सिखाता तो हूँ, तो आप मुझे बताना है स्टूडेंट क्या आप वाकई में उन चीज़ों को सवालों में लगा पाते हो एग्जाम हॉल में? हाँ अगर ऑप्शंस ज़्यादा क्लोज नहीं है तो लग जाते थे वो। लग जाते थे। बट अगर ऑप्शंस क्लोज है तो फिर कैलकुलेशन ही काम आएगी। कैलकुलेशन ही काम आता है। ओके। अच्छा आप अपना एग्जाम एक्सपीरियंस पूरा बता सकती हैं कि SSC CGL का आपका जर्नी ऐसी रही, आपने ऐसे शुरू करी और आप फाइनली AIR1 तक पहुंची, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पूरा टोटल शुरू से लेकर आखिर तक? अच्छा रहा एक्सपीरियंस, मुझे अच्छा लगा। और कंसिस्टेंसी रखी तो सही रहा, वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया था, और मतलब ऐसे लोगों से कनेक्ट थी जो बस डाउट्स पूछे या सॉल्व करे यही करे बस। हाँ ज्यादा टाइम कुछ खराब ना करे, और SSC के रिगार्डिंग लोगों से बात होती थी। अच्छा SSC के अलावा CGL के अलावा बाकी अदर एग्जाम जैसे CHSL CPO ये आपने भरे थे, इन पे आपका ध्यान था MTS सिलेक्शन पोस्ट वगैरह पे? नहीं नहीं किसी पे नहीं था, बस मैं CHSL का दिया था एक बार पर उसमें नहीं हुआ मेरा।
सीएचएसएल का दिया था नहीं हुआ, आपका नहीं हुआ? डिस्क्रिप्टिव में कम रह गए थे और उसमें नहीं हो पाया मुझे फिर मैंने इसी को फोकस किया। कौन से सीएचएसएल की बात कर रहे हैं? 19 हाँ, काफी रोई थी मैं फिर कि सीएचएसएल नहीं हुआ तो सीजल कैसे होगा, सीजल 2020, तो फिर से फ्यूल मिल गया सीजल 2020 को कि ये तो करना है, तीन चार फ्यूल इसमें ऐड हो गए। यहाँ से सीखने वाली बात है कि अगर आप किसी एक एग्जाम में फेल हो जाएं तो ऐसा नहीं कि खत्म, हो सकता है आप दूसरे एग्जाम में टॉप कर पाए। हुआ है, और हो सकता है कि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब ना लगे तो आप समझे कि मैं तो बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं। हो सकता है कि आप किसी दूसरे काम में इसमें कुछ ऐसा कर जाएं कि आप टॉप कर जाएं, है भाई जैसे मुझे ही देख लो। हमने खुद कभी एसएससी सीजल को ध्यान में दिया लेकिन हम टीचिंग के फील्ड में अच्छा करके देखो एआई वन हमसे पढ़ के निकली हैं। अच्छा, आपने कौन कौन सी मॉक सीरीज लगाई थी? आपने एक ही मॉक सीरीज खरीद थी या डिफरेंट डिफरेंट मॉक सीरीज आपने खरीद के लगाई? डिफरेंट डिफरेंट सारी लगा ली थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की थी काफी सारी, क्वेश्चन के मॉक सीरीज भी आप लगाते थे? मॉक्स लगाए थे सीजल के भी, क्या आप सीएचएसएल के भी मॉक्स लगाते थे? नहीं नहीं, सीजल के। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे आप सॉल्व करते थे तो केवल सीजल पे ध्यान देते थे कि सीएचएसएल के भी लगा लेते हैं? सीपीयू सीजल के, वो सीएचएसएल में नहीं हुआ था उसके बाद, उस टाइम वो 2020 का प्रिपरेशन चल ही रहा था तो वो कर लिया था। मैं सीएचएसएल पे ज्यादा ध्यान तो नहीं दिया था क्योंकि वैसे सीजल पे दे रहे हैं ऑलमोस्ट सेम सा ही है, पर वो डिस्क्रिप्टिव में कम रह गए, उसकी वजह से कम रह गया था मेरा थोड़ा, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्लियर हो गया था कि हाँ बहुत सारे क्वेश्चन आने लग गए, सब ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन के लिए आपके पीडीएफ लगाते थे तो उससे बहुत ज्यादा शार्प माइंड हो गया था कि हाँ कर पा रहे हैं क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग लगने लगा क्वेश्चंस करने, बहुत ज्यादा जो टिपिकल क्वेश्चंस है वो भी करने में। अच्छा, आपका स्टडी शेड्यूल क्या था कि आप, मतलब आप जो है टारगेट बेस पढ़ाई करते थे कि आपने शेड्यूल बना रखा था कि 9 से 5, 9 से 10 ये करना है, 10 से 11 ये करना, कैसे पढ़ाई करते थे? टारगेट बेस्ड ही था, इतना टाइमिंग का तो नहीं था मेरा, टाइमिंग का हार्डकोर कुछ सीन नहीं था। हां नहीं, बस गोल बेस्ड ही था कि हां एक एक मॉक लग जाए और डाउट सॉल्व हो जाएं काफी सारे। तो डेली का आप टारगेट बनाते थे? हाँ सर, डाउट सॉल्व का तो फिर भी टारगेट होता था कि हाँ 2-3 घंटे हो जाए तो सही है। 2-3 घंटे तो आप खुद की डाउट सॉल्व करवाते थे या दूसरों को जो डाउट आते रहते ग्रुप में? मेरे तो 19 में आते थे तो मैं ग्रुप में करवाती थी और फिर बाद में 20 में मुझे खुद आने लगे तो मैं सबके करती थी। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, ये हमारे जो व्यूअर्स हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप इनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि ये जो निकम्मे हैं या इनमें से भी कुछ ऑफिसर बनेंगे, कैसे मोटिवेट रहें और कैसे अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें? पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये कैसे अपनी तैयारी को आगे रख पाएं? कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब आपने बहुत बार कर लिए तो आपको लगेगा कि हाँ अब तो बहुत हो गया, अब नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा चैलेंजिंग ले लो या तो, पर कंसिस्टेंट रहो क्योंकि वो एक बार थोड़ा ज़्यादा बार कर लेते हैं तो उससे बोर हो जाता है कि इसको बार बार कैसे करें, तो थोड़े अलग क्वेश्चंस ले लो और कंसिस्टेंट रहो, तैयारी को बीच में ब्रेक ना करो। हाँ, ब्रेक नहीं करना, ऐसे एक दो दिन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और लंबे टाइम तक मोटिवेशन कैसे रहे, मोटिवेटेड कैसे रहे? वो प्रायोरिटी रखो, अपनी गोल सेट रखो कि हाँ ये तो अचीव करना ही है और कितने एक दिन करना है, थोड़े दिन तो पढ़ाई करनी है, टेम्परेरी बेस्ड ही तो है, कौन सा पूरे जीवन करनी है, तो इतना तक तो करो। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमें आता तो बहुत कुछ है और हम घर पे मॉक टेस्ट लगाते हैं, स्कूल भी अच्छा आता है, प्रीवियस ईयर के सवाल भी लगा पाते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आते तो हमारी बत्ती गुल हो जाती है, हम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, ये एग्जाम हॉल का प्रेशर कैसे हैंडल करें? हाँ, इतना प्रेशर वैसे तो ज़रूरी नहीं है इतना प्रेशर लेने की, अगर आपने इतना ज़्यादा कर लिया है अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कि हाँ अब मैंने जितना मेरा करना था मैंने मेरा 100% दे दिया है, उसके बाद इतना प्रेशर तो आता भी नहीं है कि अब पता नहीं क्या होगा, कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन अगर आपने बीच में छोड़ दियो प्रिपरेशन या कंसिस्टेंसी नहीं रखी हो और खुद की तरफ से 100% नहीं दिया हो तो डाउट रहता है वहाँ पे, तो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। मतलब आपने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाए हैं तो आपको एग्जाम हॉल में प्रेशर प्रेशर नहीं आ पाता। हाँ, क्योंकि उसमें टाइमिंग वगैरह सेम था मॉक्स में तो इसलिए ऐसा ही लग रहा था कि मॉक ही लगा रहे हैं, लगा दिया। अच्छा, मैं एक टॉपर से मेरी बातचीत हुई थी तो उसने कहा सर जैसे मेरा पेपर 10 से 12 होना है मेंस का तो मैं उसी टाइम मॉक सॉल्व करता था 10 से 12। आप भी ऐसे करते थे? हाँ, मेरा भी मॉर्निंग आफ्टरनून यही रहती हूँ मैं एक्टिव डे में ही, तो डे टाइम में पेपर होता है। दिन में ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, रात को नहीं? रात के नहीं। ओके, चलिए, सबका अलग अलग है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो रात भर लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, कुछ दिन भर पढ़ते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, और हर एक का अलग अलग सीन है। आप किसी को देख के कॉपी नहीं कर सकते, सबका अपना अपना अलग स्टाइल होता है, आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए। दूसरों से आप कुछ यूनिक चीजें जरूर सीख सकते हैं, उनकी सलाह को जरूर मान सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी
पढ़ने का जो टाइम टेबल है और कैसे आपको फ्यूचर में करना है वो आप खुद ही सेट करिए। ठीक, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप आगे ऐसी ऐसी तरक्की करें और जरूर आप विदेश जाएं, आप युगांडा ना जाएं, पेरिस जाएं, थैंक यू, जाएं। मैं अभी खुद यूरोप घूम के आया, बड़े अच्छे देखा मैंने सारे ब्लॉग्स देखे हैं, सब फॉलो करती हूँ मैं। आपने ब्लॉग्स वगैरह देखे? यस। ठीक है।